अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तुहानू असी हुण एक होर थोड़ा जिहा दस दईए। आ देखो रिपेयरिंग चलती पई है कलंसरां दे पंपां दी जिहड़ी जांदियां वा। आ देखो रिपेयरिंग हुणे खोले खोले आ ते हाले रिपेयरिंग चलन दई आ। बंदे छुट्टी छट्टी गए, उन्होंने आ जाणा हुण ते फिर तैयारी तुरी करनी शुरू कर देनी है। ये असी दसणा सी कि आ पंप जिहड़ा वा ये 4x5 दा वा, मतलब कि तुसी तुहानू ये साफ हुंदा इहदा कि उतली साइड ते जिहड़ा पाया पाणा ये हैगा 4 इंच दा, पिछली साइड ते जिहड़ा वा वो हैगा वा 5 दा। मतलब कि इन जिहड़ा होणी है विच पाणी जिथों इन होणा विच वो हैगा वा 5 दा, आह हैगा 4 दा। वो इसलिए 5 दा हुंदा वा मगर कि प्रैशर दे नाल मतलब कि पाणी तां जावे, इसलिए उत्ते जिहड़े घट हुंदा 1 इंच ते पिछे ज़्यादा हुंदा वा। कोई पंप भी होवे जिहड़ा जिहड़ा हुंदा इस तरह हुंदा, कोई 3x4 दा ये हैगा जिस तरह मतलब कि 5x4 5x5 का बोलते हैं, तो वो इस तरह फिर 1 इंच का फर्क हों, पिछे जड़ीन होंगी वो ज़्यादा हों। बाकी एम का है वा, बाकी जो पानी इन्हों का जो देखो जा रहा उत्ते जाता उत्ते पानी, तो 8 की मशीन जोड़ा वा 8 की मशीन 5x4 का पंप जोड़ा ना ये आराम नाल पानी पूरा कर देता वा। मतलब 12 पखे होंगे वा तो 12 पखियां आराम नाल पूरा पानी कर देता वा। तो अगर कोई 7 का होवे 7 की मशीन होवे उन्हों जोड़ा छोटा लग जाता पंप, मतलब कि 4x3x4 का लग जाता वा, वो पूरा कर देता 7x7 का मशीन का। तो बाकी देखो तलाब तलू बच्चे तलाब दिखा दे थोड़ा जहा आ चेक वाल लगा हुआ वा कि पानी पुनी ना छे, पानी पुनी जो चुकया रवे। आ देखो ये पानी कितना गंदा, इतने तलाब का की हाल होया पिया वा। हुण इहदी सफाई सफुई इहदी भी हुण शुरू हो जानी है, अगे बस टाइम थोड़ा वा। तो इन्होंने देखो ना थले फिल्टर नहीं लाया होया, इन्होंने चाहिए फिल्टर लाना इतने, क्यों कोई चीज़ भी बच्चे आ जाए छापर कोई चीज़ भी है तो छत उत्ते है, लेकिन फिर भी कोई इतने परिंदा परुंदा अक्सर मर मुड़ जाते हैं, कोई पानी पीते या कोई ऐसा डिग जाते वो बच्चे आ जाते, फिर पंप खोलना पैंता वा। तो मुसीबत ना बंदा यही चंगा करे कि थले फिल्टर लगा हो, फिल्टर जो बनाया हो बना के लाया हो तो जी चीज़ भी हो थले फज जाए, क्योंकि ये जो इन्ना डूडा डूंगा हों बंदा थले वड़ के कढ़ लेंदा इतों सामने देख पैंता साफ पानी हों। बाकी अल्लाह खैर करे पंपा जोड़ा वा। एक होर तुम मैं एक गल दसदा वा, जरूरी गल जी याद रखियो कि पंपा तेल नहीं पाना, ज़्यादातर लोग जोड़े तेल पाते हैं, तेल नहीं पाना पंप में, इनू पाना वा ग्रीस पानी है। जो तेरे को आराम ना नहीं पीती ग्रीस मतलब कि सख्त होंगी है, उन थोड़ा जहा हल्का जहा गर्म कर लवो। पहली गल तो गर्म करने की जरूरत नहीं, कोई ऐसी चीज़ जिस तरह पीक पीक होंगी तेल पाने वास्ते उत्ते रख के उस ग्रीस पा के उत्तर कोई पैप हो कोई चीज़ ने इस तरह मारोगे तो ग्रीस आटोमैटिकली चल जाती, कोई गर्म करने की जरूरत नहीं। कई को मशीन भी होंगी लेकिन मशीन ना जी ग्रीस पानी बहुत मुश्किल हो जाती है, काफ़ी टाइम लग जाता बंदा थपी जाता वा। तो गल ये वा कि तेल नहीं पाना, तेल पाओगे ना तुम हालत दिखाना थोड़ा जहा, देखो इतने तेल इस्तेमाल किया हो लेकिन ये सही नहीं है, चोह जाता बहर। आ देखो थली साइड से ये तो इतना ज़्यादा नहीं चोया लेकिन वो कई पंप बहुत ज़्यादा चोया वा, ये तेल पाते हैं तो जल्दी वायरिंग जोड़े वो फिर छनकार पा मतलब वो गूंज देन दे पाते, आवाज़ देन दे पाता पंप, इसलिए ग्रीस मैं आप खुद असी भी ये काम करते वा, असी ग्रीस इस्तेमाल करी दी, आयल इस्तेमाल नहीं करी दा। तो ग्रीस जी अल्लाह खैर करे असी एक बार पंप जोड़िया तो साल साल लंघ जाते दोबारा कभी पंप नहीं खोलिया। ग्रीस जी ज़्यादा फायदेमंद है, ग्रीस अगर अद्धा पंप भी हो तो सील तो थले थले भी रह जाए तो कोई मसला नहीं होता, खराब नहीं होता पंप जिनी देर तक कोई वैसे बस हो जाए अल्लाह तो हो जाए, ज़्यादातर नहीं होंगे हूँ साढ़े तो पंप लगे हुए कम से कम उन्होंने मेरे ख्याल साल ही गुजर गए तो कोई असी खोले खोले नहीं है ग्रीस पाई ही उन्होंने, तो वाज वूज भी कोई नहीं देंगे इतने जोड़े इतने वाज बहुत देंगे क्योंकि तेल इस्तेमाल करते चलते होंगे अभी आने होंगे चेक कर। बाकी जी खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज़। साड़ी वीडियो लाइक करियो, साड़े चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नए बंदे हो, तो ओके खुदा हाफिज़।